डोरीमोन सीरीज में हमें नोबिता और डोरीमोन के फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। यहीं दूसरी तरफ परमैन सीरीज में हम मित्सु सुवा नाम के लड़के की लाइफ स्टोरी को देखते हैं। दोनों के स्टोरी में इतना बदलाव होने के बाद भी दोनों के राइटर एक ही है, फुजिको है फुजियो। तो ऐसा क्या हुआ जिससे डोरीमोन आज इतना पॉपुलर है और परमैन किसी को याद भी नहीं? दोनों के कॉन्क्लूजन से लेकर स्टोरी भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ मिलकर डोरीमोन और परमैन की दुनिया में। डोरेमोन की मांगा 1969 को दिसंबर में रिलीज़ की गई थी और उसे पब्लिश किया था फुजिको एफ फुजियो ने। डोरेमोन का जेनर कॉमेडी एंड साइंस फिक्शन। हमेशा की तरह नोबिता अपने घर में लेट के आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके डेस्क से आवाज़ आने लगती है और नोबिता ये आवाज़ सुनकर डर जाता है। नोबिता डेस्क के पास जाने की हिम्मत करता है पर डर के मारे वो जा नहीं पा रहा होता है। तभी डेस्क का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से दो लोग बाहर आते हैं। नोबिता उन दोनों को देख के डर जाता है कि वो दोनों इसमें से बाहर आए तो आए कैसे। दोनों ही अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं और किस लिए आए। नोबिता को सारी बातें बताने के बाद शिवाशी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर डोरेमोन नोबिता के पास रहना नहीं चाहता। नोबिता की खामियों को देखने के बाद आखिर में हार मान के शिवाशी डोरेमोन पे एक टाइमर लगाता है। जिस दिन नोबिता का फ्यूचर सुधर गया उस दिन डोरेमोन को वापस आना होगा फ्यूचर में। इसी टाइमर के साथ मजबूरी में डोरेमोन नोबिता को ज्वाइन करता है। शुरुआत में नोबिता और डोरेमोन की बनती नहीं है। शुरुआत में दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, लेकिन कहते हैं ना समय समय के साथ सब कुछ सही कर देता है। समय के साथ साथ नोबिता डोरेमोन के बीच में दोस्ती का जन्म हो जाता है और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि तुमने सीरीज में देख ही रखा होगा। नोबिता डोरेमोन के गैजेट की मदद से अपने फ्यूचर को सुधारने की कोशिश करता है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना भी पड़ता है। अब वो समय नज़दीक आ गया होता है जब डोरेमोन को नोबिता को छोड़ के जाना होता है। जब डोरेमोन यह बात नोबिता को बताता है कि मुझे अब फ्यूचर में वापस जाना होगा, मेरा समय हो गया है, नोबिता जैसे ये सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नोबिता बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। उस समय नोबिता को पहली बार किसी ने इतना निराश देखा था। डोरेमोन नोबिता को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा फ्यूचर अब बदल चुका है, अब सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। नोबिता डोरेमोन को सिर्फ यही कहता है जब तुम ही मेरे साथ नहीं हो तो यह सब का क्या फ़ायदा। और नोबिता ऐसे ही कहते घर से बाहर चला जाता है और हम डोरेमोन को भी देखते हैं जो बहुत उदास होता है। हम अगले दिन देखते हैं नोबिता डोरेमोन को जाने नहीं दे रहा होता है, डोरेमोन के लाख बार कहने के बावजूद भी। नोबिता के पेरेंट्स और डोरेमोन के समझाने पर नोबिता डोरेमोन को जाने देता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता की ज़िंदगी एकदम आम सी पहले जैसी हो गई होती। बस फर्क इतना होता है कि नोबिता इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो चुका होता है। जब कुछ समय बाद नोबिता को डियान और सुनियो वापस से परेशान करते हैं तो डोरेमोन की कही बात उसे याद आती है। डोरेमोन ने जाने से पहले नोबिता को गैजेट दिया होता है जिसको पीने के बाद नोबिता जो भी बोलेगा उसका असर उल्टा होगा। नोबिता उस गैजेट की मदद से डियान और सुनियो से बदला तो ले लेता है, फिर नोबिता को याद आता है ये सब करने का क्या फ़ायदा जबकि डोरेमोन कभी वापस आएगा ही नहीं। नोबिता ये सोच के फिर से उदास हो जाता है और जाते वक्त बस यही कहता है कि डोरेमोन अब कभी वापस नहीं आने वाला, वो मेरे पास अब कभी नहीं आएगा। ये सब कहने की वजह से नोबिता ने उस समय उस गैजेट को पिया होता है जिसकी वजह से जो भी वो बोलेगा उसका उल्टा असर होगा। इसी गैजेट की मदद से नोबिता के पास डोरेमोन वापस आ जाता है पास्ट में। मूवी के एंड में वो दोनों साथ रहते हैं और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी स्टैंड बाय मी थी और इसका सेकेंड पार्ट भी निकला है जो इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ, पता नहीं उसका कोई रीज़न था। लेकिन स्टैंड बाय मी टू में हम देखते हैं नोबिता सुजुका की शादी हो जाती है, लेकिन उस समय नोबिता के साथ डोरेमोन नहीं होता, यानी कि बड़े होने के बाद नोबिता के पास डोरेमोन नहीं रहेगा। इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। अब मेन अपना कंक्लूजन पे निकलते। डोरेमोन ऐसा कार्टून है जो हमें फ्रेंडशिप का ट्रू मीनिंग बताती है। हमने देखा था कि नोबिता को कैसे डोरेमोन शुरुआत में पसंद नहीं होता, लेकिन उन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों की दोस्ती सबसे अलग हो जाती है। हमें डोरेमोन ने यह भी सिखाया कि हर किसी की लाइफ में एक डोरेमोन होता है जो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को सुधारने का मौका देता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। वो तुम्हारे डैड भी हो सकते हैं, मॉम भी हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर या टीचर भी, बस उसे पहचानो और उसकी बातों को मानो। अगर यही हम दूसरी तरफ परमैन की बात करें तो परमैन की स्टोरी तुमने देख रखी होगी। एनिमे में तुम्हें दिखाया गया है कि परमैन एक कॉमेडी सेंस एनिमे है जिसमें पाको परमैन हमेशा फाइट करते रहते हैं और दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। पर क्या तुम्हें पता है इसकी एक सैड स्टोरी भी है जिसे जानने के बाद पक्का तुम इमोशनल हो जाओगे। परमैन की शुरुआत 1967 में हुई थी और इसे रिटर्न किया था फुजिको एफ फुजियो ने। इसे रिलीज़ किया TVSI ने। परमैन के सिर्फ 526 एपिसोड ही एनिमे में रिलीज़ की गए और ये 526 एपिसोड का लास्ट एपिसोड है व्हाट इज़ पाको ट्रेजर। परमैन की कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट है फुकरे फुजियो के बाकी सारे स्टोरी लाइन से। परमैन का एक खुद स्पेसिफिक स्टोरी लाइन है जो तुम्हें सुननी ही चाहिए एक बार।
तुम बस इस एनिमे को कॉमेडी टाइप एनिमे मानते हो और हमेशा से मानते ही आए, तो आज मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही बदलने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं परमैन की स्टोरी को। स्टार्टिंग में हम मित्सो सुवा को देखते हैं जो अपने घर पर जा रहा होता है। आज भी उसने अपने क्लास का होमवर्क नहीं किया होता जिसकी वजह से वो बाहर खड़ा होता है। मित्सो अपने घर पर जा ही रहा होता है तो उसकी बहन उसे मिलती है। उसकी बहन उसे बताती है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम क्लास के बाहर खड़े थे, और उसकी बहन उसे धमकी देती है। उसकी बहन का नाम गांको है, तुम्हें पता ही होगा। मित्सो जैसे ये सुनता है तो मित्सो वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं गांको उसकी मॉम को चुगली कर देती है। और यहीं से सीन कट होता है और मित्सो अपने पार्क में घूम रहा होता है तो तभी उसे एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी दिखता है। वो आदमी नहीं, एक्चुअली में एलियन होता है जिसे सब लोग बर्डमैन बुलाते हैं। बर्डमैन के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो बर्डमैन एक गैलेक्सी का प्रोटेक्टर है जो गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से। बर्डमैन मित्सो को एक टास्क देते हैं और मित्सो उसे कम्प्लीट भी कर देता है। आफ्टर कम्प्लीट टास्क मित्सो को बर्डमैन परमानेंट सेट देते हैं और उसे बताते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मित्सो के पास परमानेंट सेट आने के बाद मित्सो कहीं भी सांस ले सकता है, उसके पास बहुत सी स्ट्रेंथ आ जाती है और कहीं भी उड़ सकता है। अब मित्सो परमानेंट बनके बहुत से लोगों की मदद करने लग जाता है जिसकी वजह से परमानेंट का नाम हर जगह पे फेमस हो जाता है और उसके बाद परमानेंट को हर कोई जानने लगता है। बर्डमैन मित्सो की ये मेहनत देख के और एक ही बंदे के ऊपर इतना प्रेशर देख के बर्डमैन सोचते हैं कि मुझे कुछ और परमानेंट्स को ही बनाना चाहिए। बर्डमैन परमानेंट नंबर सेकेंड बूबी को बनाते हैं और परमानेंट नंबर थर्ड पाको को बनाते। पाको इस सीरीज़ की मेन फीमेल कैरेक्टर है। अगर मैं पाको के बारे में कुछ कहूँ तो पाको अपने रियल लाइफ में सुमेरे होशिनो है जो एक आइडियल है और खुद परमैन भी उसका फ़ैन है बहुत बड़ा। हम देखते हैं कि पाको जब अपना परमैन सेट पहनती है तब वो एक टॉम्बज टाइप और एक नक्चरी टाइप की लड़की बन जाती है जिसकी वजह से परमैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इस वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। छोटे मोटे नोकझोंक तो रोज़ होती रहती है। बर्डमैन ये देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि इन दोनों की लड़ाई को बंद कैसे किया जाए। बर्डमैन फिर परमैन नंबर फोर को बनाते हैं, वो है पायन। पायन के आने के बाद परमैन और पाको की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। पायन उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और उन दोनों की लड़ाई बहुत ही कम होने लगती है अब परमैन टीम में, जिसकी वजह से बर्डमैन भी रिलीफ लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं स्टोरी ऐसी कंटिन्यू चलती है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी होने लगती है। परमैन की मूवी परमैन वर्सेस ऑक्टोपस के लास्ट सीन में जब मित्सो मेरे को परमैन बचा लेता है तभी हम देख सकते हैं कि पायन पाको से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पाको ये सुनने के बाद ब्लश करने लगती है क्योंकि असलियत में वही मित्सो मेरे है। इनडायरेक्टली पाको ये एक्वायर कर लेते हैं कि वो मित्सो से प्यार करने लगी है। इसके बाद एक लव स्टोरी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे उन दोनों का रिलेशन बढ़ते जाता है और अच्छा होते जाता है। जब एनिमे का लास्ट एपिसोड व्हाट इज पाको ट्रेजर आता है तो उसमें पाको बताती है कि वो मित्सो को पसंद करती है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है और यहीं पे एपिसोड की एंड हो जाती है। इसके बाद हमें कोई परमैन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि परमैन के साथ हुआ क्या, उसके बाद एक भी एपिसोड नहीं बनता। लेकिन जब नोबिता बना फेमस एपिसोड रिलीज होता है तब हमें पता चलता है कि परमैन आगे जाके बर्डमैन पे चला जाता है और उसके बाद कभी आता है कि नहीं आता ये हमें नहीं बताया जाता। तुमने परमैन की मूवी देख रखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि एक बर्डमैन की मूवी रोड टू बर्डमैन भी थी जिसमें परमैन के बारे में बताया गया था। चलो इस मूवी के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, अभी बात करते हैं कि परमैन से हमें क्या सीख मिलती है, परमैन हमें क्या सिखाता है हमारी लाइफ के बारे में, क्योंकि हर एक एनिमे कुछ न कुछ हमें लाइफ के बारे में ज़रूर सिखा दिए। अगर मैं कहूँ तो परमैन ट्रू लव स्टोरी को दर्शाता है जो इनकम्प्लीट रह गए। सुमेरे का उसके प्रति प्यार और उसका इंतज़ार करना, ये हमें बताता है कि इन दोनों की स्टोरी कितनी अच्छी थी और कितनी ट्रू थी लव स्टोरी इन लोगों की। बट इस चीज़ को बाद में रखते हुए हम बताते हैं कि परमैन हमें ये चीज़ भी सिखाता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें कभी नहीं मिलती। एक लिमिट से ज़्यादा एफर्ट करने से किसी भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मिस सुमेरे की बात की जाए तो मिस सुमेरे परमैन की हमेशा इंतज़ार करती रहेगी, लेकिन क्या परमैन कभी वापस आएगा, ये डाउट हर किसी के माइंड में है। क्या परमैन कभी भी वापस आ सकता है, ये बात है हर किसी के माइंड में अभी भी एक सवाल की तरह गूंज रही है। खैर इस चीज़ों को हम साइड रखते हैं। मैं कहता हूँ दोनों की स्टोरी बेस्ट है, दोनों की ही अपनी अपनी जगह पे एक ऐसी स्टोरी है जो तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। दोनों की स्टोरी बस देखो ही ना, कुछ ना कुछ सीखो उससे। मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। परमैन के बंद होने का सबसे बड़ा मेन कारण था लैक ऑफ एपिसोड। परमैन के 526 एपिसोड पे उसको एंड कर दिया गया है जिसकी वजह से आगे फैंस को पर एपिसोड नहीं मिले, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को कभी परमैन के बारे में पता ही नहीं चला और परमैन को सब लोग धीरे धीरे भूलने लग गए। डोरेमोन और परमैन दोनों ने मेरे दिल में एक खास जगह बना के रखी है।
डोरेमोन ने मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसे बताई है जो लाइफ में एक्वायर करनी चाहिए और परमैन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले कोशिश की है कि डोरेमोन और परमैन की जितनी भी स्टोरी है उनको शॉर्ट में समझाने की। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो मुझे माफ़ करना, इससे आसान तरीके में मैं समझा नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। अगली वीडियो के टॉपिक मैं खुद डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पर।